Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. चाहे अलग में ना आ जाए, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कभी नीचे गिर रहा था, कभी मैं ऊपर सर उठा रहा था, खांसता अभी बाकी है। नीचे से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ओके, पूरा चैन करते हैं। मैच जीत गया, क्या हो गया? टीम इंडिया ने फाइनली T20 वर्ल्ड कप 2022 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है क्योंकि एक दो प्लेयर्स की वापसी हुई है। तो स्क्वाड की अगर बात करें, टीम इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें कप्तान रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत और रितनेश कार्तिक, इन्होंने रखे हैं 2 विकेट कीपर बैट्समैन। देन हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है एंड भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल एंड अर्शदीप सिंह। रिजर्व्स में अगर बात करें तो इन्होंने 4 प्लेयर्स को रखा है, मोहम्मद स्वामी, सुरेश अय्यर, रवि बिश्नोई एंड दीपक चहल। तो टीम इंडिया का स्क्वाड ओवरऑल तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और भुवनेश्वर कुमार के साथ जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना है जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ख़तरनाक लग रहा है दोनों बाकी टीमों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है बुमराह की वापसी। और क्योंकि जो एशिया कप में मिस किया इंडिया ने बॉलिंग में, कि एक्सपीरियंस नहीं था बॉलिंग में, क्लास क्वालिटी का एक बॉलर नहीं था, वो बुमराह की शक्ल में उनको मिल गया है। और भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह का कॉम्बिनेशन हम सबको पता है, डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इट्स अ गुड साइन। उसके अलावा रविंद्र जडेजा की कमी कहीं ना कहीं महसूस होगी मेरे ख्याल में इंडिया को, बाकी तो उनके पास स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो कवर कर सकते हैं, नीचे से बैटिंग भी कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा 3-1 थे, फील्डिंग लाजवाब थी, बैटिंग बॉलिंग में आके वो साथ देते थे, कि ऊपर से कभी विकटें गिर जाएँ तो नीचे से बैटिंग आके अच्छी कर लेते थे, विकटें दबाते थे, वो फील्डिंग बहुत जानदार थी जैसे कि मैंने कहा। तो उनको कहीं ना कहीं मिस करेगी इंडिया टीम और हम एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि बहुत मज़ा आता था उनको देखकर, लेकिन उनकी इंजरी जिसकी वजह से वो एशिया कप के भी कुछ मैचेस नहीं खेल पाए और अब T20 वर्ल्ड कप से भी वो बाहर हो गए हैं। तो लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक स्क्वाड है और बहुत ब्राइट चांसेस हैं इस टीम के साथ, टीम इंडिया के फॉर टू लिफ्ट T20 वर्ल्ड कप 2022 जो होने जा रहा है। और विराट कोहली की फॉर्म जिस तरह वापस आई है, एशिया कप में हमने थोड़ी बहुत उनकी झलकियाँ देखी और उन्होंने बस 71वां 100 भी किया इंटरनेशनल करियर का, तो बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि प्लेयर्स उनकी वापस आ रहे हैं, फॉर्म वापस आ रही है, बुमराह की वापसी हुई है, विराट कोहली की फॉर्म आ गई है, रोहित शर्मा थोड़े बहुत प्रेशर में दिखे एशिया कप में एज अ कैप्टन, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छी कैप्टनसी करेंगे और टीम इंडिया एक टफ टाइम देगी ऑपोजिशंस को इन T20 वर्ल्ड कप 2022। तो ये था टीम इंडिया का स्क्वाड। बाकी अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, क्या सजेशंस हैं इस टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर, और आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या ये टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 जीत पाएगी या नहीं। मेरे हिसाब से बहुत ब्राइट चांसेस हैं और आउट ऑफ 100 मैं कहूँगा कि 70% चांस है अभी इंडिया का इस टीम के साथ कि ये इस वर्ल्ड कप में अपसेट कर सकती है सबको और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक ज़रूरी बात कि हरफर के चैनल पर हमने एक नई कॉमेडी स्किट, हॉरर कॉमेडी स्किट अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, चैनल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके देखें और अपनी सजेशन हमें बताइए कि आपको कैसी कॉमेडी स्किट लगी और आप आगे क्या देखना चाहते हैं कि हम लोग क्या परफॉर्म करें आप लोगों के लिए आगे, इन सारी बातों को बताइए कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।